केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुखरुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल तीन शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमस्पर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अव्यवहारिक कार्य बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले तो युद्ध करे। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है।
रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है।